बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी की 6 तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, जहां हालात लगातार अब बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद देखिए श्रीनगर के साथ साथ बारामूला, शिमला और साथ ही उत्तरकाशी की ये तस्वीर आपके सामने, नारकंडा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपके सामने और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी देखिए लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हालांकि इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से लोग इलाके में आते ज़रूर हैं, लेकिन इस बीच लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से प्रशासन भी अपनी तरफ से अलर्ट है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश ने अब लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। कैसे ये मुश्किल अब दुगनी हो गई है, क्योंकि बर्फबारी और बारिश ने ठंड को तो बढ़ा ही दिया है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, वहीं मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। तो हालात ये हैं कि दिल्ली में कल से रुक रुक कर बारिश जारी है और बारिश की वजह से ही दिल्ली का तापमान भी और गिर गया है। राजधानी से संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सर्दी एक बार फिर लौट आई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, खासतौर से उत्तर भारत के इलाकों में। रविवार से लगातार दिल्ली और एनसीआर में बारिश जारी है और ये बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी नहीं बल्कि तेज बारिश है और इसके साथ ही काफी तेज हवाएं भी चल रही है, यानी शीतलहर से पूरा जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वो इस वक्त चपेट में आ चुका है शीतलहर का। और आप देखिए कि रविवार की दोपहर के आसपास जो बारिश शुरू हुई है वो अभी सोमवार को भी लगातार जारी है। पूरी रात रविवार को बारिश हुई है और तेज मूसलाधार बारिश हुई है और यही वजह है कि कई इलाकों में जल भराव भी देखा गया है। फिलहाल जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज चल रही हैं, शीतलहर है और इस वजह से जो पारा है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है।